नमस्कार मैम के मिश्रा वाली इन्विटेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से, जहां बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल हो गया है और जो इतने दिनों से एनडीए को लेकर के खींचतान चल रही थी गठबंधन को लेके, आखिर वो गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच एलजेपी और बीजेपी ने क्या एक बड़ा खेल खेल दिया है कि नीतीश कुमार जो अब तक ये मान रहे थे अपने आप को बड़ा भाई, क्या वो नीतीश कुमार अब बिहार की सक्रिय राजनीति से इस गठबंधन के कारण अब उनका पत्ता साफ हो चुका है। तो आपको ये वीडियो दिखाऊंगा और होने वाले 28 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा विस्फोट है, क्योंकि एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी शरद पवार की जो रामविलास पासवान की पार्टी जो है, उनके बेटे चिराग पासवान ने क्या अमित शाह के साथ मिलकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो चलिए ले चलता हूँ खबर की तरफ। अनुरोध करूंगा वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा और अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक पॉलिटिकल कहीं ना कहीं यहाँ पर संस्कार की वाली जो बात होती है कि राजनीति के कारण से जिस प्रकार से विपक्ष के कई नेता पहुंच चुका है, क्या अमित शाह ने यहाँ भी बड़ा गेम खेल दिया है। चलिए आपको बताता हूँ पूरी की पूरी खबर। शुरुआत में करूंगा एनडीए की गठबंधन को लेकर के जो सीटों का चयन होना था, जिसको लेकर के एक तरफ तो जीतन राम मांझी की पार्टी थी हम एक तरफ, दूसरी तरफ जो नाम आपके सामने आया था वो नाम था नीतीश कुमार बीजेपी, और कहीं ना कहीं इसमें कुशवाहा का भी नाम आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जीतन, अब इस समय जो खबर आ रही है उसमें एनडीए और जनता दल यूनाइटेड यानी जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और हम यानी कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी उनको 5 सीटें दी गई है, यानी कुल 243 सीटों में 119 सीट पर बीजेपी, 119 सीट पर जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, और 5 सीटों पर हम यानी कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब इसमें कहां खड़ा है एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी। ये लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के मुखिया चिराग पासवान हैं, जो कि राम विलास पासवान के बेटे हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान ने अपने पार्टी को एनडीए से अलग किया है बिहार में, लेकिन केंद्र में दोनों एक साथ हैं और अभी भी किसी प्रकार का कोई भी खटास नहीं आई है इसमें बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद। अब जो खबर आ रही है उस खबर को थोड़ा समझिएगा, उस खबर में जो खेल है, क्योंकि तो चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो महज 119 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मतलब जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट खड़े होंगे वहां वहां सिर्फ जनता दल एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को खड़े करेंगे, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े होंगे वहां वहां पर वो उनका सपोर्ट करेंगे। अब समझिएगा पीछे का खेल और फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर नीतीश कुमार के साथ खेल हुआ है या नीतीश कुमार खुद खेल खेला है, ये बड़ा सवाल है। चलिए लिए चलता हूं खबर की तरफ। अब बता दूं आपको इसमें क्या हुआ। बिहार में अक्टूबर नवंबर के 3 चरणों में विधानसभा चुनाव है। महागठबंधन ने शुक्रवार को सहयोगी पार्टियों के बीच संकट के अंतिम जो को लेकर बंटवारे को लेकर के अंतिम मोहर लगा दी है। एनडीए ने आनंद फानन में सीटों का बंटवारा तय हो गया। सूत्रों की माने जनता दल यूनाइटेड भाजपा को जैसा हमने बताया 119 सीटों पर यहां पर हो चुकी है, बन चुकी है बात। एनडीए की सीट बंटवारे के बाद लगातार भाजपा ली रही थी, जिसका फायदा हुआ कि भाजपा को भी उतनी सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा जितनी सीटों पर जदयू लड़ रही है। यह भी खबर आ रही है कि जदयू के करीब से 15 से 20 से ज्यादा सीटें चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भाजपा नेता सीटों के बंटवारे को लेकर के बराबर अड़े रहे और उनका मुद्दा जो लंबा खिंच गया था, लेकिन अंत में यह फॉर्मूला हो चुका और मैराथन मीटिंग के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए और शनिवार को पटना में रोज पुराण के एक नए अपार्टमेंट में जदयू और भाजपा के नेताओं के बीच में 5 घंटे तक चली मीटिंग के बाद यह फैसला ले लिया गया। और देवेंद्र जो मीटिंग में भाजपा के तरफ से देवेंद्र फडणवीस थे, भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल थे। वहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ बात करें तो ललन सिंह, आरपी सिंह और जितेंद्र यादव मौजूद थे। दोनों तरफ से लेकर के एक एक सीट पर चर्चा हुई और आधी आधी सीटों पर दोनों दलों की सहमति बन चुकी है।
इस बंटवारे से लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल अलग रखा गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अलग रुख को कारण जातियों को यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ऐसा कह नहीं पा रहा। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ का जो खेल है वो थोड़ा सा खेल को समझिए फिर बताता हूँ आपको। अब क्या है, अब 119 सीटों पर अपने एलजेपी अपने कैंडिडेट को उतारेगी और नीतीश कुमार के 119 सीटों पर लाएंगे, बीजेपी वाले जगह पे नहीं। और हो सकता है क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि नीतीश कुमार को नहीं पसंद करते हैं, और अगर 119 सीटों में अगर ज्यादा सीटें लेके आती है कौन, अगर ज्यादा सीटें लेकर आती है जो है लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी है, तो वो बीजेपी के साथ उनका पहले से गठबंधन है और कहीं ना कहीं हम माने तो वो हमेशा से मौका टेरियन भी रहे हैं। एलजेपी हमेशा से मौका टेरियन रहे हैं और जब भी वो जिसकी सरकार बनते हुए देखते हैं उसकी तरफ वो लोग वहां मुड़ जाते हैं। तो क्या ये चुनाव के बाद ये समीकरण है बीजेपी के लिए प्लान ए और प्लान बी का है कि प्लान ए नीतीश के साथ चुनाव लड़ना और प्लान बी नीतीश को बाहर का रास्ता दिखा करके एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन करके। आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा जो कि अभी अभी उन्होंने डिसाइड किया महागठबंधन में नहीं, अगर वो भी अलग से लड़ते हैं कुछ सीटें जीतते हैं और कुछ ऐसे और भी अन्य लोग हैं, ऐसे में बीजेपी का जो आंकड़ा है क्योंकि आज नीतीश कुमार से बहुत सारे लोग खुश नहीं है, ये बात साफ है बिहार में। तो क्या नीतीश कुमार इस बात का जिस तरह से चल रहा क्या उसका फायदा उठा पाएंगे, ये सब कुछ सवालों के उसमें है। और आने वाला जो चुनाव है वो वाकई में सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा देगा और नीतीश कुमार को नुकसान। और एलजेपी, मैंने कहा ना एक हाथ, इस समय अगर नीतीश कुमार जीतते हैं तो भी बीजेपी को चुनाव अपनी सरकार उनके साथ बढ़ा सकती है, और अगर एलजेपी जीतती है तो भी बीजेपी उनके साथ चुनाव जा सकती है। यानी कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब साफ है, इसे कहते हैं अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक। और ये मास्टर स्ट्रोक सीधे तौर पर अगर कोई घायल होने वाला है तो उसमें सबसे बड़ा दल जो होगा वो कौन होगा, नीतीश कुमार के चेहरे पर आएगी जो सबसे बड़ा झटका लगेगा कि नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री थे क्या वो 119 सीटों में अगर वो 80 से 90 सीटें नहीं लेकर ला पाते हैं तो सीधे तौर पर उनको सत्ता से शायद हाथ धोना पड़ सकता है। और बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आखिरी वक्त पर भी ऐसे चुनाव है जहाँ पर आखिरी वक्त पर भी सत्ता पलट सकती है। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करूँगा, अनुरोध करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हर एक फोन तक पहुँचा दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।